तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए, आज के टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटेस्टाइन। वेरी फैमिलियर टॉपिक फ्रॉम द क्लास 8। सब कोई जानता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दो पार्ट है। मैंने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बेसिक बना करके रखा हुआ है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं या आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको अभी ये खत्म होने के बाद इसका मेन जो फंक्शन है मीन्स मैकेनिकल एक्शन, उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देने वाला हूँ। काफ़ी सारे ट्रिक्स देने वाला हूँ, आपको यू याद हो जाएगा। इसलिए जितना इतने मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, डियोडेनम जेजेनम इलियम सब कोई जानता है। ठीक है, इसका लेंथ याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेंथ मैंने मेंशन किया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। इसका ग्रेटर लेंथ होता है। ग्रेटर लेंथ क्यों होता है? ग्रेटर लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन, जानते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ी ऑर्गेन है। ठीक है, तो ग्रेटर लेंथ क्यों होगा? मैंने पहले भी बात की है, विलाई माइक्रोविलाई मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन की प्रोसेसेस अगर मैं बात करूँ तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्रेटर अपियरेंस होता है, ग्रेटर लेंथ होता है फॉर द मोर एब्जॉर्प्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेजेंट हियर, द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डीप फोल्ड्स इन द म्यूकोसा। म्यूकोसा इज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द प्रेजेंस ऑफ द परमानेंट डीप फोल्ड्स, व्हाट इज दिस फोल्ड्स? दिस फोल्ड्स इज विलाई। ओके, डीप फोल्ड्स इन द म्यूकोसा लेयर कॉल्ड द पैलिसाई सर्कुलरिस। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको एकदम याद कर लेना है। और वेलिलियाई कॉनिवेट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। ये पैलिसियाई सर्कुलरिस का एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो विलाई और माइक्रोविलाई की मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन, फॉर द ग्रेटर एब्जॉर्प्शन, फॉर द लार्ज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं बात करूँ अगर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ, केसीएम, कोलन, रेक्टम सब कोई जानता है। ये एक गंदा सा डायग्राम बना हुआ है, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो आप तीन लाइनें देख रहे हैं, आई होप कि आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो ये जान लेते हैं। इसको बोलते हैं असेंडिंग, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, दिस इज सीकम, दिस इज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज एनल स्पिंचर। ओके, सो नाउ कम ऑन द थ्योरी टॉपिक। If we discuss about the शिकम या कैशियम, ये क्या होता है? एक ब्लाइंड शैक होता है। ब्लाइंड शैक मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर, अंधा मीन्स खाली बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इलिलियो केशल जंक्शन। इलिलियो केशल जंक्शन क्या होता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलिलियो, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि इलिलियो केशल जंक्शन किससे गार्ड किया जाता है या किससे गार्ड होता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, इलिलियो केशल वॉल्व के थ्रू ये गार्ड करता है इलिलियो केशल जंक्शन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि इलिलियो केशल जंक्शन क्या होता है, किससे गार्ड होता है, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अनदर, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गेन इन द ह्यूमन। सब कोई जानता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का लेंथ याद रखना है 2 to 20 centimeter। ठीक है, उसके बाद केसीएम इज वेल डेवलप्ड इन रैबिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अनदर। अगेन यू कॉल द केसीएम इज वेल डेवलप्ड इन रैबिट मीन्स जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो दिख रहा है, इसी को हम लोग अपेंडिक्स कैल्शियम, जो मतलब कैल्शियम का यहाँ पे हम लोग का कैल्शियम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को सेपरेट करके ह्यूमन बॉडी होम्योसेपियंस में दिखाया गया है। बट अगर हम लोग रैबिट के केस में बात करें तो यही कैल्शियम जो होता है इससे अटैच वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड होता है, किसमें? रैबिट में। लेकिन हम लोगों में वो क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गेन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अगर ऊपर बात करें तो कोलोन आता है। तो कोलोन का डायमीटर जो होता है वो याद रखना है आपको कि कोलोन का डायमीटर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलोन डायमीटर इज ग्रेटर देन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा इज रिप्रेजेंट फॉर नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब इसका आपको लेंथ याद रखना है, अनदर अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100 centimeter इन एडल्ट एंड 150 centimeter इन ऑटोप्सी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं कोलोन के बारे में बात करूं, द थर्ड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट ओनली इन द ह्यूमन बॉडी इज द थर्ड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज मास एक्शन कंसंट्रेशन इज ओनली हैपन और ओनली प्रेजेंट इन द कोलोन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आते हैं, एकदम एग्जैक्टली इसी लाइन को उठा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो वी नाउ कम ऑन द रेक्टम टॉपिक. दिस इज द बेसिकली स्टोरेज चैम्बर ऑफ द फिसेस. रेक्टम इज नोन एज द स्टोरेज चैम्बर ऑफ द फिसेस. ओके, इट ओपन्स इनटू द एनल कैनल. हियर वन ऑफ द फैमिलियर वर्ड इज रिटन, द पाइल्स इज नोन एज ह्यूमेरॉइड्स. The piles is known as, in the biological term, we call the humeroids. Okay, what is the humeroids? It is the enlargement. What is the enlargement? Enlargement, here we written, NS is, one second, yeah, enlargement of rectal vein. Humeroids is nothing but the enlargement of rectal vein. Here the two type of, you saw that, NS is controlled by the anal sphincter. In the anal sphincter, here this is the region of anal sphincter. In the anal sphincter, the two types of action muscles is present. One is voluntary, internal or external. Internal is, here is written as the internal sphincter is involuntary and the external sphincter is voluntary. Okay. वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री आप जानते हैं, क्यों इंटरनल इनवॉलेंट्री है और वॉलेंट्री है, ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज द बेसिक पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज रिटन हियर. सो इफ यू लाइक द वीडियो तो दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.